हेलो जी, नमस्कार, सलाम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव डेली. आपका अपना प्यारा चैनल जिसपे आपको बेहतरीन जानकारी मिलती है सभी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जहां पे आपको इंडिया के चुनिंदा एजुकेटर्स, नॉट ओनली एजुकेटर्स, मोटिवेटर्स, राइट, मेंटर्स मिल रहे हैं. ग्रेट जी, चलिए स्क्रीन पे नजर डालते हैं कौन कौन है मेरे राजा बेटा. आज डॉली है, राजेश है, संयोगिनी, उमर फारेख, माइनुद्दीन, बुशरा, दीपक, सुनील, स्वाति, राजेश हुडा, मिनती, सोमनाथ, रमेश, शिववानी, कृष्णा, निलेश, वाहिद. ग्रेट जी, वंडरफुल. रेगुलर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल समय पे आकर के बैठ जाते हैं, बिल्कुल जी, कंप्यूटर के सामने अपने मोबाइल को हाथ में लेके या अपने पर्सनल टैब पर, अक्सर मैं चैट पे आप नजर डालता रहता हूँ क्या क्या बातें आप आपस में कर रहे हो. मुझे खुशी होगी अगर आप एकेडमी के रिलेटेड बातें हमेशा करें, अगर आप इस बात का डिस्कशन करें कि भाई नीट का फॉर्म कब तक निकलने वाला है और क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमें तैयार कर लेने चाहिए. एकेडमी के रिलेटेड बातें किया करो, एक वैसा माहौल, एक वैसा ऑरा क्रिएट करके रखिए, उसमें ज़्यादा खुशी होती है. ओके जी, चलिए राजा बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं. मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद नियरली 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, किस तरह से इंसान बना है, इंसानियत कैसे बनी है. बहुत सारी बेहतरीन चीजें आपको बताऊंगा, अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा आपको. आई एम डॉक्टर सचिन कपूर, द मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री अश्विनी त्यागी सर, एंड द मैजिशियंस ऑफ फिजिक्स दैट इज नमो सर, एंड आपके ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र बाहुबली, राइट जी, महेंद्र सर. चलिए राजा बेटा, सबसे पहले बता दूं, टेलीग्राम का ये ऐप अपने सेलफोन में डाउन जरूर कर लीजिए, और जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, फोन के ब्राउजर में टाइप कीजिएगा tinyurl.com/neetlivechat, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे. प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसपे आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप अपना रैंक और ज्यादा बेहतर बूस्ट कर सकते हैं. टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, लाइव डाउट सेशंस हैं, मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन है. नवंबर बैच आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चल रहा है. इस नवंबर बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ महेंद्र सर हैं, अश्विनी सर भी हैं. सो बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने सेलफोन में डाउनलोड कर लीजिए. ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, प्लस के सेक्शन में जहां पे आपको नीट सिलेक्ट करना है, और फाइनली जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको नीट लाइव कोड यूज जरूर करना है. नीट लाइव कोड अगर आप यूज नहीं करेंगे तो फिर आप डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे फी में. नीट लाइव कोड यूज करने पे आपको स्पेशल रेफरल डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज 10% ऑफ ऑन द टोटल फी. ये हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है. चलिए जी, क्या कोटेशन है मेरे पास आज प्यारी सी, देखते हैं. होप इज द फाउंडेशन फॉर विच All successful goals are built upon. Hope, उम्मीद, एक आशा, वही एक नींव है, वो एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर all the successful goals are built upon. तो आपकी जो होप है, आपकी जो उम्मीद है, उसको मजबूती से पकड़े रखना है और कार्य आगे करते रहना है, रुकना नहीं है. एक जगह रुके रुके बस अगर ऐसे ही रहेंगे तो फिर तो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी ना, एक्शन करना है उस चीज में. हाँ जी राजा बेटा, नियरली 300 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, दैट्स रियली वंडरफुल, रियली नाइस टू सी दैट. जल्दी से जिन लोगों ने अभी लाइक का बटन नहीं दबाया दबा दीजिए, और जो लोग हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जल्दी से उनको ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि सब लोग हमारे साथ जुड़ पाए. बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी पे आपको आज ले चलूंगा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में. अक्सर आप रटते होंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रमापिथिकस, सिवापिथिकस, कीनियापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस. नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक खूबसूरत सी कहानी की तरह आपको ये सारी चीजें बताऊंगा और आपका इंटरेस्ट जो है अपने आप इतना डेवलप हो जाएगा इसमें कि फिर आप खुद दूसरों को ये पढ़ाना चाहेंगे टॉपिक. आई एश्योर यू दैट, राइट जी, इतने इंटरेस्ट के साथ आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको. सुनिए मेरी बात, ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर के जो कुछ शुरुआती आइडियाज हैं, शुरुआत के जो फिलोसोफर्स ने, साइंटिस्ट ने अपने विचार कहे, थोड़े से वो जान लेते हैं. डार्विन, अगर आपको याद हो, डार्विन ने भी किताब लिखी थी डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स. शुरुआत में लोगों का ये मानना था दैट ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज. ये गलत है, इंसान मंकीज से नहीं बने हैं. ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज, दे हैव शेयर्ड अ कॉमन एंसेस्टर. हम पढ़ेंगे एप्स क्या है,
क्या क्या कॉमन कैरेक्टर्स हैं एप्स में आपस में, ह्यूमंस में और एप्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एप्स में कौन कौन से ग्रुप जानवर आ जाते हैं, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ओरैंगयूटन है, गिबन है. सो हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं आज के इस बेहतरीन लेक्चर में. थोड़ी थोड़ी बातें जिन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है वो मैं बता देता हूं. 1863 की बातें हैं जी. हक्सले मेड अ साइंटिफिक अटेम्प्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन्स ओरिजिन. हक्सले की ये किताब आपको याद रखनी है, मैन्स प्लेस इन नेचर. बस इतना याद रखिएगा, ये बुक जो है किसने लिखी है, हक्सले ने, मैन्स प्लेस इन नेचर. इसके बाद आ जाते हैं जी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिन्होंने दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अलावा भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, आपको बहुत सारी किताबें बताई थी, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन एनिमल्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वेरिएशंस अंडर डोमेस्टिकेशन, और उनके द्वारा लिखी गई एक और महत्वपूर्ण किताब, दैट इज द डिसेंट ऑफ मैन. किताब का पूरा नाम है डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स. डार्विन के जो विचार थे इवोल्यूशन को लेकर के वो काफी अलग थे. मैंने बताया था आपको जिस समय थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश हुई थी उस समय चर्च का बहुत दबदबा था, लोगों का ये मानना था कि सारी सृष्टि का निर्माण जो है वो परमात्मा ने करा है, सुपर नेचुरल पावर ने करा है, भगवान ने करा है. और ऐसे विचारों में यदि आप एक अलग तरह का विचार, एक रेवोल्यूशनरी विचारधारा लेकर के आते हैं कि भाई ह्यूमंस एप्स एंड मंकीज आर रिलेटेड, तो ऑब्वियसली सोसाइटी इतनी आसानी से उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी. सो आई टोल्ड यू दैट उस समय काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इस बात को लेकर के कि हाउ कैन यू से दैट ह्यूमंस एप्स एंड मंकीज आर रिलेटेड. सो उनकी किताबें जलाई भी गई थी, उनके पोस्टर्स भी जलाए गए थे और उन्हें काफी अपमान का सामना भी करना पड़ा. कोई भी नया विचार जब हमारे समाज में आता है तो इतनी आसानी से उसे नहीं माना जाता, समय लगता है उसमें. सो आपको यहां पे सिर्फ ये याद रखना है कि चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई ये किताब है द डिसेंट ऑफ मैन, जिसमें उन्होंने जो बातें कही थी, द आइडियाज वर बेस्ड ऑन एविडेंसेस फ्रॉम लिविंग मैन एंड प्राइमेट्स. प्राइमेट्स जो ग्रुप है इसमें ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज आते हैं. अभी डिस्कस करेंगे पूरी तरह से क्लासिफिकेशन की, क्लास मेमेलिया में ह्यूमंस कहां पे स्टैंड करते हैं. अभी आपको थोड़ा सा एक इतिहास बता रहा हूं कि किस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़े इस बात की तरफ कि इंसान बना कैसे है. लीनियस द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी प्लेस्ड मैन अमंग द मंकीज एंड एप्स. लीनियस का दिया हुआ ये नाम है दैट इज होमो सेपियंस, मतलब अकलमंद आदमी, द वाइज मैन. होमो सेपियंस टर्म किसने दिया है अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इट इज गिवन बाय लीनियस, कार्लस लीनियस. और होमो सेपियंस का मतलब है मैन हु इज वाइज. अब जब यहां पे मैन वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो जनरलाइज टर्म है, दैट इज रेफरिंग टू अ मेल एज वेल एज अ फीमेल. आप ये मत सोचिएगा कि मैन को ही वाइज कहा है, हमने वुमेन को क्यों नहीं कहा, राइट जी. तो मैन टर्म जो यूज किया बेटा जी वो जनरलाइज सेंस में यूज किया गया है. क्लियर है राजा बेटा? हां जी. अनुरेश, विधि, तन्वी, जैरी, भावना, भरत, वेदव्यास, रत्ना, राज शर्मा, डिंपल, ऋषिकेश, मयंक, पुनीता, किशन पांडे, अभिषेक, अनुरेश, सबको क्लियर है? रविंद्र, इतना क्लियर है? बढ़िया है जी. चलिए आगे बढ़े मेरे राजा बेटा, ग्रेट. और ज्यादा लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा मुझे भी पढ़ाने में और आप लोगों को भी पढ़ने में. ओके जी, सबसे पहले मैं आपको टैक्सोनॉमिक पोजीशन बता दूं ह्यूमंस की, कि भाई हम कहां पे स्टैंड करते हैं. अगर हम कहें कि ह्यूमंस आर मैमल्स, तो मैमेलिया तो एक बहुत बड़ी क्लास है. क्लास मैमेलिया की सब क्लासेस हैं, इंफ्रा क्लासेस हैं, उसमें सुपर ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, सुपर फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज हैं. तो एग्जैक्ट टैक्सोनॉमिक पोजीशन अगर हमने देखनी हो तो देखते हैं इधर जी. नाउ किंगडम क्या है? एनिमेलिया. एग्रीड, एनिमल्स के फीचर्स हैं, साथ में वो बातें भी लिखी हुई हैं आगे. किंगडम में फाइलम अगर हम देखें, द फाइलम टू विच वी बिलोंग इज कॉर्डाटा, राइट जी. कॉर्डाटा में फर्दर जो सब फाइलम है दैट इज वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेट्स यानी हड्डियों वाले जानवर जो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स होता है. ह्यूमंस का जो सेक्शन है इस सब फाइलम में दैट इज गनेथोस्टोमेटा. ए गनेथा और गनेथोस्टोमेटा याद है आपको? ए गनेथा इज विदाउट जॉज, गनेथोस्टोमेटा इज विद जॉज. ये हम ह्यूमंस की एग्जैक्ट टैक्सोनॉमिक पोजीशन जान रहे हैं. सुपर क्लास क्या है हमारी? टेट्रापोडा. टेट्रापोडा का मतलब चार पैरों पे चलने वाले जानवर, दे आर टेट्रापॉड्स. सुपर क्लास के नीचे आता है क्लास,
द क्लास टू विच वी बिलोंग इज मेमेलिया, मैमल्स. क्लास मेमेलिया में जो जानवर आते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं. मैमल्स के शरीर पे बाल होते हैं, बॉडी हेयर इज अ फीचर. प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इज अ फीचर. सांस लेने के लिए डायफ्राम होता है. 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं. टेस्टिस जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं. सो ये मेमेलिया के कुछ फीचर्स है. 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज होते हैं. सो हम क्लास मेमेलिया को बिलोंग करते हैं. क्लास मेमेलिया की फर्दर दो सब क्लासेस होती हैं. एक होती है प्रोटोथीरिया, जिसमें प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल्स आते हैं, अंडे देने वाले मैमल्स, प्रोटोथीरियंस, डक, बिल, प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर. और दूसरी सब क्लास होती है थीरिया. थीरियंस जो है दे आर विविपैरस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस. सो वी बिलोंग टू दी सब क्लास थीरिया. थीरिया जो है ये फर्दर डिवाइडेड होता है बेटा इंफ्रा क्लास में. इंफ्रा क्लास है हमारी यूथीरिया. थीरिया की जो दो डिविजन्स हैं, एक है मेटाथीरिया, एक है यूथीरिया. मेटाथीरिया में क्या आते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? पाउच्ड मैमल्स जो होते हैं. मेटाथीरिया का फर्दर ऑर्डर होता है मार्सुपियलिया. मार्सुपियल्स में आते हैं कंगारू, राइट. सो हम बिलोंग करते हैं थीरिया को. थीरिया में यूथीरिया को. यूथीरिया में क्या फीचर है खास, इनमें ट्रू प्लेसेंटा बनता है, राइट जी. कोरियोवेलन टाइप प्लेसेंटा, ट्रू प्लेसेंटा है यूथीरियंस में. सो ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, ये जो इंफ्रा क्लास यूथीरिया है, इसका फर्दर आगे देखते हैं डिवीजन. ऑर्डर क्या है, द ऑर्डर टू विच वी बिलोंग इज प्राइमेट्स. प्राइमेट्स की स्टडी को प्राइमेटोलॉजी कहते हैं. स्टडी ऑफ प्राइमेट्स इज प्राइमेटोलॉजी. मैं आपको प्राइमेट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स समझाऊंगा आपको. प्राइमेट्स में क्या क्या आ जाते हैं, ह्यूमंस, एप्स, मंकीज. ध्यान रखिएगा जब आप प्राइमेटा ऑर्डर कह रहे हैं राजा बेटा. सो प्राइमेट्स में आते हैं ह्यूमंस. तीनों में डिफरेंसेस भी समझेंगे हम. एप्स एंड मंकीज, दे आर प्राइमेट्स. एप्स में देर आर ग्रेट एप्स, लेसर एप्स. एप्स में हम पढ़ेंगे गोरिल्ला, चिंपैंजी और रेंग्यूटन. ये ग्रेट एप्स हैं, राइट. शरीर में बड़े हैं. गोरिल्ला बड़ा पावरफुल एप है. चिंपैंजी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एप. क्या आप जानते हैं विच इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमंस? चलिए मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं. आपको मुझे बताना है क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमंस. जल्दी से बताएंगे मेरे राजा बेटा. ऑप्शंस दे रहा हूं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ऑरेंग्यूटन, गिब्बन. गोरिल्ला आपने किंग कॉन्ग मूवी में देखा होगा. गोरिल्ला, चिंपैंजी, ऑरेंग्यूटन. ऑरेंग्यूटन आपने क्रिश मूवी में देखा होगा. एंड गिब्बन. गिब्बन इज द स्मॉलेस्ट एप. बोलो जी जल्दी से बेटा. अनुरेश, विक्रम, किशन, रविंद्र, प्रिंसी, खुशी, पॉलनी, अभिषेक, डिंपल. ऑरेंग्यूटन है किशन बेटा, ठीक से लिखिए. दीपक, चिंपैंजी बताइए. गिब्बन, गोरिल्ला, कौन है क्लोजेस्ट रिलेटिव? बोलिए जी जल्दी से. क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमंस इट इज चिंपैंजी. चिंपैंजीज आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमंस. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट जी. चिंपैंजी के बाद गोरिल्ला आता है, फिर ऑरेंग्यूटन और फिर गिब्बन. ओके, सो हम इन एप्स से बने नहीं है. ह्यूमंस और एप्स का एक कॉमन एंसेस्टर रहा है जिससे ये आगे बने हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो इन प्राइमेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी. जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है वीडियो पे, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए. आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं, ताकि मैं आपको और ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं. यहां पे एनर्जी होगी वो फ्लो करके आप तक भी पहुंचेगी. ओके बेटा, राइट आगे बढ़ते हैं. सो कुछ बच्चे आई एंड ईयर का टॉपिक पूछ रहे हैं बेटा. मंडेज, ट्यूजडेज एंड वेडनेसडे को क्लास 11th के टॉपिक्स होते हैं. फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लास 12th का सिलेबस चलता है. ध्यान दीजिए इस चीज का. सो नेक्स्ट वीक में मंडे से फिर हम आई का टॉपिक शुरू करेंगे. क्लियर है मेरे राजा बेटा? राइट जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ प्राइमेट्स में ऑर्डर तो हो गया प्राइमेट. ऑर्डर के फर्दर सब ऑर्डर्स होते हैं. सो सब ऑर्डर है यहां पे एंथ्रोपोइडिया. सो समटाइम्स वी से दैट एंथ्रोपोइड्स. तो आपको ध्यान रखना है एंथ्रोपोइडिया किसको रेफर कर रहा है. यहां पे फेशियल मसल्स हैं फॉर इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए. एंथ्रोपोइड्स जो है उनके फेशियल मसल्स डेवलप्ड है कि अलग अलग तरह के इमोशंस वो कन्वे कर सकते हैं. हंसने वाला, मुस्कुराने वाला, गुस्से वाला, राइट जी, उदासी वाला. तो ये सारे फेशियल मसल्स जो है वो एक्सप्रेशंस के लिए हैं एंथ्रोपोइड्स में. ध्यान दीजिएगा, एंथ्रोपोइडिया है सब ऑर्डर. इस सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया में फिर फैमिली है होमिनिडेई.
that is humans and the nearby ancestors, right? Primates jo hai actual mein aur bhi iske suborders hain, lemuroidea, tarsioidea, anthropoidea. Lemuroidea jo hai usme lemur and loris aate hain, tarsioidea mein tarsier aate hain, anthropoidea jo hai wo further divided hota hai, ciboidea, sarcopithecoidea, hominoidea. Ciboidea and sarcopithecoidea jinko platyrrhina, catarrhina kehte hain, usme jo hai new world monkeys, old world monkeys aate hain. Hominidae jo hai ye further jo hai aur bhi families hain, there is hylobatidae, there is pongidae, right ji. Hylobatidae mein hylobates aata hai, that is gibbon. Pongidae जो होती है, Pongidae family, उसमें included होते हैं apes. जब हम humans की बात कर रहे हैं, तो Hominidae family है. ये सारा classification आपको पता होना चाहिए. ये important है. Primates order के अंदर suborder Anthropoidea, family Hominidae, genus Homo and the species is Homo sapiens. Right, ji? Species, then subspecies. So, Homo sapiens refers to man who is wise. Akalmand aadmi. Ye basic humans ka position hai. Clear hai, ji? Right? Punita, Rajaram, Nancy, Deepak, Girish, Ubaid, Ratna, Rishikesh, Khushi, please, jo main pooch raha hu beta, uska jawab dijiye. Sarvesh, clear hai aapko? So, mere bache, abhi tak maine sirf aapko kya bataya? Humans ka puri animal kingdom mein taxonomic position kya hai? Aapse poocha ja sakta hai, to which family humans belong? Hominidae. To which order we belong? Primates. Right? So, aapko ye terms dhyan rakhni hai. Jahan bhi kahi simian shabd hum use karenge na, simian word ka matlab hota hai monkey-like, bandar jaisa. Pro-simians jaise hum kahenge, simians, pro-simians. So, simian word ka matlab hai monkey-like. Clear hai ji? Chaliye, aage badh sakte hain. Thumbs up sign mil rahe hai mujhe. Very good, nice. Nearly 450 ke kareeb bachche jude hue hain. Thank you so much, Bharat ji. Thank you so much. Aage badhte hain. Now, let's see what are the similarities between apes and humans. Apes ko aap imagine kar lijiye apne saamne ek gorilla ko, chimpanzee ko, orangutan ko. Gorilla dekha na King Kong movie mein, wahan to bahut bada dikhaya hua tha, right? Itne bade nahi hote but gorillas kafi bade hote hain. Chimpanzees bhi aapne dekhe honge, kafi intelligent ape hota hai chimpanzee, right? So aap apes mein aur humans ko agar aap saamne dekhiye to kya differences aap observe karte hain aur kya similarities observe karte hain? Similarity sabse pehli to ye hai ki dono mein hi pooch nahi hai, absence of tail hai, agreed. Aur sir jo hai relatively larger hai, longer neck hai and limbs hai, haath pair jo hai lambe hai. Apes aur humans ki similarities ki baat kar rahe hai, differences ki baat bhi karenge abhi. So pehla similarity humne dekha ki absence of tail, poonch nahi hai, larger head hai, gardan lambi hai aur limbs, baju mein aur taange bhi lambi hai. Broadened chest, chest region jo hai broad hai, chhati jo hai broad hai. Broad kaise hai chest? Kyunki ye jo central bone hai sternum, ye flat hai. Sternum is a flat bone. Agar ye bone flat ho jayegi to chest jo hai wo broad ho jayegi na. So they have broad chest due to flattening of sternum. There is smaller lumbar region due to reduced number of lumbar vertebrae. Lumbar region of vertebral column jo hai, wahan pe lumbar vertebra ki sankhya jo hai, number hai, kam hai. Ye apes aur humans ki similarities hai. Aage dekhte hain. There is relatively larger brain and cranial capacity. Dimag jo hai, wo bada hai, cranial capacity. Baki mammals ke comparison ki baat hum kar rahe hain, brain developed bhi hai. Aur jo apes aur humans ki similarity hai ki dono mein hi larger brain hai, cranial capacity behtar hai. Prominent brow ridges above the eyes. Brow ridges kisko kehte hain? Jaise aap ye diagram mein dekh pa rahe hain na, yahan pe is picture mein dekh pa rahe hain aap, ye wali jo brow ridges, eyebrow ka ridge jo hai, ye prominent hai, ubhra hua hai ye wala hissa kafi. Dono mein ye similarity hai. Clear hua ji? Right? Chaliye aage dekhte hain. Now, there is capability of communication by vocal means. Awaazein, sounds produce kar paate hain ye. Larynx ka, voice box ka structure kuch is tarah se develop hua hai ki awaazein nikal paate hain aur communicate kar paate hain. Communication ek bahut important baat rahi hogi human evolution mein. Jab aap baatcheet karke, awaaz nikal ke,
दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो उससे एक समूह बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। हाईली डेवलप्ड फेशियल मस्कुलेचर, फेस के मसल्स डेवलप्ड है, आप देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस जो है वो देख सकते हैं। आपने मंकीज में, एप्स में भी ऑब्जर्व किया होगा, वो कई चीजों को मिमिक भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आप कोई चीज फेंकेंगे तो बंदर भी वैसे करेंगे, एप्स भी वैसे करते हैं। सो काफी चीजों को वो ऑब्जर्व करके आपके बिहेवियर को रिपीट कर पाते हैं। क्लियर? नाउ हाईली डेवलप्ड फेशियल मस्कुलेचर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ रेज, सरप्राइज, मतलब गुस्सा, सरप्राइज, प्लेजर, लाफ्टर, फेशियल जेस्टर्स के साथ हम कन्वे कर पाते हैं। ह्यूमंस कन्वे कर पाते हैं तो एप्स बाकी जो हैं वो भी ऐसा कर लेते हैं। वैशाली, खुशी, पॉलनी, जेरी, आनंद, पुनीता, राजाराम, हुमा खान, मैनुद्दीन, नाजिश, इग्नोर कीजिए बेटा प्लीज, आप लेक्चर पर फोकस कीजिए। क्लियर है जी? राइट? ओके, बड़े आ गए, ग्रेट। चलो जी, वंडरफुल। चलिए, लाइक जरूर दबाते जाइए, जो जो स्लाइड आपको बेहतरीन लगती जाए उस पर आपके लाइक्स आते जाने चाहिए। तो ये सिमिलैरिटीज की बात हो रही थी एप्स एंड ह्यूमंस के बीच में। अब हम जिक्र करते हैं आगे इसके बाद कि क्या क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं एप्स एंड ह्यूमंस में। उससे पहले दो सिमिलैरिटीज और हैं जी। टेंडेंसी टू लिव इन पेयर्स एज कपल्स, आप देखते हैं कि प्राइमेट्स जो है वो सोशल बिहेवियर शो करते हैं। देयर इज अ मेल, देयर इज अ फीमेल, दे हैव देयर किड्स, देयर इज अ फैमिली। तो ये फैमिली वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं है, ये गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरैंगउटन इनमें भी होता है। अब आप ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से परिवार बने हैं एप्स में। उसकी एक बहुत बड़ी वजह रही है मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो है इन प्लेस ऑफ ईस्ट्रस साइकिल। बाकी जो मैमल्स होते हैं प्राइमेट्स के अलावा, इन प्लेस ऑफ ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल होता है नॉन प्राइमेट्स में, जैसे काउज, बफलोज, डॉग, कैट, रैट, शीप। सो इन प्लेस ऑफ ईस्ट्रस साइकिल देयर इज menstrual cycle, in place of estrous cycle there is menstrual cycle। now आप जानते हैं basic differences estrous and menstrual cycle में, गौर से सुनिएगा। estrous cycle के केस में क्या होता है, there is a heat period when the estrogen level of the female animal is very high, the female animal develops a strong desire for the sexual activity। ईस्ट्रस साइकिल में जो फीमेल एनिमल है, काओ, बफलो, शीप, गोट, जिसकी भी बात हम कर लें, दैट इज रिसेप्टिव टू द मेल ओनली ड्यूरिंग हर हीट पीरियड। और जब उसका वो ब्रीडिंग सीजन है उसमें उसका जब ईस्ट्रस साइकिल हो रहा है, और ईस्ट्रस साइकिल में भी जब हीट पीरियड है, ईस्ट्रस साइकिल के भी अलग अलग फेजेस होते हैं, प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस, डाई ईस्ट्रस। तो जब ईस्ट्रस साइकिल में हीट पीरियड होगा तभी फीमेल एनिमल मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स परमिट करेगी। शी इज बिहेवियरली रिसेप्टिव टू द मेल ओनली ड्यूरिंग हर हीट पीरियड। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द फीमेल इज रिसेप्टिव टू द मेल पार्टनर एनी टाइम ड्यूरिंग द साइकिल। अब इस चीज से फायदा क्या रहा होगा, ध्यान से सोचिएगा। अगर ह्यूमंस के केस में या बाकी एप्स के केस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह ईस्ट्रस साइकिल होता तो फिर परिवार नहीं बन पाते। The sexual needs of the male are regular, daily. Male can copulate with female daily. So, if the female is not allowing the male to copulate, male would have been wandering here and there in search of the sexual partners. Male jo hai wo sexual partners ki talash mein idhar udhar bhatakta, to fir parivar nahi ban paate. Ab kya hai ki agar menstrual cycle hai, primates ke case mein, there is one male, there is one female. The male and female, they live together as a couple. The sexual needs of the male are satisfied from the same female. The gametes which he is delivering to the female partner, वो gametes, वो sperms, यदि उसके ova को fertilize कर देते हैं और वो pregnant हो जाती है, तो वो male उन बच्चों का पिता कहलाएगा, क्योंकि वो एक परिवार की तरह रह रहे हैं। वो ये जानता है कि ये जो pregnancy है वो उसी के कारण से है। He owes that pregnancy
right? He is responsible for that. So he takes care of the female. The female, when she is pregnant, her mobility is restricted. वो जंगल में अपने भोजन की तलाश के लिए स्वयं नहीं जा सकती, क्योंकि pregnancy के साथ कुछ complications भी associated हैं. So the male partner will move out of the home base. He will search the food. He will bring the food back for the female. Female is staying at home. She is taking care of the already produced kids also. Right? So, इस तरह से human civilizations में भी, human evolution में भी roles जो है वो decide हो गए होंगे, है ना? शुरुआत की बात अगर करें, men, males, they are taller, they are more muscular, they will be moving out of the home base, they can fight with the dangers in a better way as compared to a female. Female will stay at the home base, male will eat the food and also bring the food for the other family members. दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए खाना अगर लेके आना है तो खाना पकड़ने के लिए हाथ भी तो खाली होने चाहिए. यदि हम चार पैरों पे ही रहते तो आप खुद सोचिए, खाना, भोजन की चीजें हम बाहर से पकड़ के घर तक कैसे लाते. तो इसीलिए बाइपीडल लोकोमोशन इवॉल्व हुआ. अगर हम एप्स और ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में परफेक्टली बाइपीडल लोकोमोशन है. हम दो टांगों पर खड़े हैं, दो टांगों पर खड़े होना इस बाइपीडल लोकोमोशन. हमारी बाजुएं, हमारे हाथ फ्री हैं. हाथ फ्री हो जाने से यही तो फायदा हुआ कि भोजन न केवल आप अपने मुंह तक ले जाएंगे, अपना पेट भरेंगे, बल्कि भोजन इकट्ठा करके आप पकड़ के घर तक भी ले आएंगे. घर तक जहां पे एक फीमेल और कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि आप भोजन लेकर के आए और सारे परिवार में मिल बांट करके उसे खाएंगे. राइट जी, समझ आ रहा है कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में. इस एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के हो जाने के कारण परिवार बने. अदरवाइज परिवार वाला कंसेप्ट नहीं होता प्राइमेट्स के केस में और ह्यूमंस के केस में ऑब्वियसली पर्टिकुलरली. राइट, सो दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ फैमिलीज, रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ फैमिलीज. आई होप आप सब लोगों को ये बात अच्छे से समझ आई है जो मैंने आपको समझाई है. बताइए जल्दी से, आपके थम्सअप साइन मिल जाने चाहिए मुझे. ग्रेट. राकेश, खुशी, मानवी, इंटरेस्टिंग लग रहा है. आनंद कह रहे हैं जी बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड. वेद व्यास, प्रीति, शिवांगी, करिश्मा, राजा राम, नेहा, इट्स इंटरेस्टिंग. मोनीश, युक्ता, सकांक्षा, डॉक्टर ननुरेश, क्लियर है जी. राइट, सो आई होप आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं. जल्दी से लाइक्स बनते हैं आपके इस पे. ओके, ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए. जनरलाइज्ड टॉपिक है और आपके फ्रेंड सर्कल में और ज्यादा लोग अगर देखना चाहें इस वीडियो को तो जल्दी से लिंक उनको शेयर कर दीजिए साथ के साथ. तो मैंने आपको ये बताया मेरे बच्चे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के आ जाने से परिवार बने आपस में. एक मेल एक फीमेल एक साथ रहेंगे और उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स के नतीजे जो बच्चे पैदा होंगे, मेल उसका पिता कहलाएगा. उसकी यह जिम्मेदारी हो जाएगी कि अब उसे उस परिवार के साथ रहना है. अदरवाइज तो फिर परिवार का कोई कंसेप्ट ही नहीं रह जाता. समझते हैं ना आप ये बात. राइट जी, चलो राजा बेटा आगे बढ़ सकते हैं. ग्रेट, कैन वी प्रोसीड फर्दर. It's very interesting na? Great. Unbeatable hai Unacademy. Yes, just because of you. Great ji. Mind-blowing session ho raha hai. Really, great. 500 like jane chahiye. Target rakh lo aaj ka. Jaldi se. ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ डिफरेंसेस एप्स एंड ह्यूमंस में. मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन में और कितनी खास बातें हुई हैं, हमारा कद लंबा हो जाने से क्या क्या फायदे हुए हैं और क्या क्या नुकसान हुए हैं. जब हम बाइपीडल लोकोमोशन हो गया हमारा, यानी हम दो टांगों पे खड़े हैं, सो कद तो लंबा हो गया, हाइट बढ़ गई और हम दूर से खतरे को भांप सकते हैं. राइट, पानी में ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं. आप पानी के अंदर जाके भी अपने भोजन की तलाश कर सकते हैं. आप कहेंगे सर बार बार भोजन पे एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं. स्वाभाविक सी बात है, इंसान की मुख्य जरूरत क्या है, किसी भी जानवर की इनफैक्ट, फीडिंग एंड ब्रीडिंग. सक्सेसफुल फीडिंग, पेट भरना है, भूख मिटानी है, जिंदा रहना है, उसके लिए भोजन चाहिए. सो हर कहीं से हम भोजन की तलाश करेंगे. अगर आप आज से करोड़ों साल पीछे चले जाइए, सो काम क्या था इंसान का, सिंपल, जैसे बाकी जानवर कर रहे हैं, फीडिंग एंड ब्रीडिंग. सो फूड एक्विजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहा होगा जो हमें परफॉर्म करना था. तो जब कद लंबा हुआ तो आप पेड़ों की टहनियों से लटकते हुए अगर कोई फल मिल रहे हैं आपको तो वो खा सकते हैं.
राइट right? अब फलों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कलर्ड विजन का इवॉल्व होना भी बहुत जरूरी है. यदि आप में कलर्ड विजन नहीं है तो आप उन रंग बिरंगे फ्रूट्स को जंगल के बाकी घास फूस पत्तों से डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे. सारी चीजें एक जैसी ही नजर आएंगी. अब आपको समझ आया कलर्ड विजन इवॉल्व जब हुई है एंथ्रोपोइड्स में प्राइमेट्स में तो उस कलर्ड विजन का ये कितना बेहतरीन फायदा रहा होगा कि हम अपने फूड को दूर से ही देख करके पहचान सकते हैं क्योंकि उसका कलर अलग है. एग्रीड राइट right? पानी में जब आप जा रहे हैं ज्यादा गहराई तक पानी जब तक आपके नाक तक यहां तक नहीं आ जाता तब तक आप पानी के अंदर जा सकते हैं और मछलियां पकड़ सकते हैं या कोई भी वाटर में मूव करने वाला एनिमल जिसे आप अपना भोजन बना सके. ह्यूमन सिविलाइजेशंस वहीं पे ज्यादा पनपी होंगी जहां पे जल का कोई स्रोत पानी का सोर्स जो है वो आसपास हो. अदरवाइज आप खुद देखिए वाटर हमें कहां से मिलता होगा. बारिश हो गई तो पानी मिल गया हमें, कहीं किसी जगह पे पानी इकट्ठा पड़ा है तो पी लिया, किसी फल के जरिए पानी मिल गया, या फिर जो भी हमने जानवर का मांस खाया कच्चा मांस खाया बिकॉज तब तो फायर भी डिस्कवर नहीं हुआ था. हम बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं तो हम कच्चा मांस ही खाएंगे, उसके अंदर जितना पानी मिल गया उसी से हमारी जरूरत पूरी होती होगी. क्लियर हो रही है ये बातें. सो कद लंबा होने का कुछ बच्चे लिख रहे हैं फीडिंग ब्रीडिंग एंड अब तो रीडिंग पढ़ाई भी करनी है साथ साथ. बिल्कुल जी, अब बहुत सारी जिम्मेदारियां और भी हैं आपके नाजुक कंधों पे, तो पढ़ाई भी करनी है आपको. खुशी लिख रही है कि सिविलाइजेशन पानी के करीब होती है, बिल्कुल सही कहा है आपने जी. अनुरेश, प्रिंसी, करिश्मा, डिंपल, थैंक यू सो मच. सोमया, राजाराम, मुनीश, रत्ना, अभिषेक, माइनुद्दीन, शिवांगी, विधि, प्रुद्विला, वैशाली, ग्रेट जी, समझ आ रहा है आपको, सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आपको पढ़ाते हुए. चलिए, सो कद लंबा होने का फायदा हो गया कि हम पानी में ज्यादा गहराई तक जाकर के अपना भोजन पकड़ के ला सकते हैं बाइपीडल लोकोमोशन ने, हाथ हमारे फ्री करा दिए बेटर फूड एक्विजिशन के लिए. एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको प्राइमेट्स का बताना चाहूंगा, जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें थंब जो है वो अपोजिबल होता है, अंगूठा जो है अपोजिबल है. अपोजिबल होने से क्या फायदा, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगलियां हैं और ये थंब है, और अगर ये अपोज कर रहा है फिंगर्स को तो मैं पकड़ पा रहा हूं किसी चीज को, ग्रिप राइट. अगर थंब अपोजिबल नहीं होता तो ग्रिप कैसे आती, हमारी ग्रिप बहुत ही प्रिसाइज है, बिल्कुल हम छोटी सी सुई भी जो है जमीन से गिरी हुई पकड़ सकते हैं. सो वी हैव अ वेरी प्रिसाइज ग्रिप राइट. सो प्राइमेट्स के केस में एक तो फोर लिम्ब्स जो हैं, हम प्राइमेट्स ही हैं, एप्स भी प्राइमेट्स हैं, वी कैन रोटेट आवर फोर लिम्ब, हम अपनी फोर लिम्ब को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, बाकी जानवर नहीं कर सकते. हम अपनी फोर लिम्ब्स को अपने सिर से ऊपर ले जा सकते हैं राइट right? आपने बंदरों को पेड़ों की टहनियों से लटकते देखा है ना राइट right? किसी और जानवर को ऐसे लटकते देखा है, नहीं, क्योंकि वो अपने सिर से ऊपर अपने कंधों से ऊपर ऐसे अपनी बाजुएं नहीं ले जा सकते. प्राइमेट्स की ये खास बात है, दे कैन डू दिस थिंग. सो प्राइमेट्स के इंपॉर्टेंट फीचर सुनते जाइए क्या क्या बातें बता रहा हूं. रोटेटिंग फोर लिम्स, फोर लिम्स को रोटेट कर रहे हैं, दे कैन मूव देयर फोर लिम्स अबव देयर हेड. जब आप सिर से ऊपर बाजू ले जाएंगे पेड़ की टहनी को आप पकड़ पाएंगे क्योंकि आपके पास ग्रिप भी है अपोजिबल थंब की, तो पेड़ की टहनी से लटक सकते हैं. सो प्राइमेट्स का ये एक फॉर्म ऑफ लोकोमोशन है. आर्बोरियल रहे ना हम, पेड़ों पर रहने वाले ही हैं. आर्बोरियल का मतलब क्या है, एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज, सो दे आर स्विंगिंग फ्रॉम वन ट्री ब्रांच टू अनदर राइट जी. पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा तक वो कूदते रहते हैं. बंदरों को आपने देखा है यहां टहनी पकड़ी वहां टहनी पकड़ी ऐसे कर करके कूदते रहते हैं. दिस इज स्विंगिंग, ब्रैकिएशन कहते हैं इसे. स्विंगिंग फ्रॉम वन ट्री ब्रांच टू अनदर ट्री ब्रांच इज अ वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ लोकोमोशन विच इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन प्राइमेट्स एंड दिस इज कॉल्ड ब्रैकिएशन. स्विंगिंग फ्रॉम वन ट्री ब्रांच टू अनदर इज व्हाट इज ब्रैकिएशन. क्लियर. सो प्राइमेट्स में ब्रैकिएशन है एक फॉर्म ऑफ लोकोमोशन. नो डाउट ह्यूमंस जो है टेरेस्ट्रियल है, बाइपेडल लोकोमोशन हो जाने की वजह से हम पेड़ों से नीचे उतर के जमीन पे भी आए हैं और हम जमीन पे रहते हैं. लेकिन बाकी जो आपने और प्राइमेट्स देखें जो तो साइज में बहुत बड़े हैं, गोरिल्ला वगैरह, वो तो जमीन पे ही रहेंगे राइट. जो बाकी छोटे हैं जैसे गिबन है, गिबन इज द स्मॉलेस्ट एप, ओके. चिंपैंजीज हैं, वो भी पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, पेड़ों पे रहते हैं. क्लियर है जी इतना. हाँ जी बोलिए जल्दी से. शिव प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम उनका नाम ले लें जरूर. ओके जी शिव प्रसाद, आपने 200 बार प्लीज लिख करके भेजा, उसकी जरूरत नहीं थी बच्चे. अगर आप कोई प्रॉपर क्वेश्चन पूछते, देखो फिर अगेन यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग, नाउ आई विल इग्नोर इट. हाँ जी, डिंपल, खुशी, मुनीश, ऋषिकेश, सोनू, चंदन, बोलिए जी. दीपक क्लियर है, पुनीता इज इट क्रिस्टल क्लियर, विधि, शाज,
आनंद मोगली को याद कर रहे हैं कुछ लोग. ग्रेट. राइट. सो प्राइमेट्स के बारे में कितनी खूबसूरत बातें आपको बता रहा हूं मैं. ठीक है जी. अब हम प्राइमेट्स में डिफरेंसेस की बात करें. एप्स और ह्यूमंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. नेहा जी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन लगा. थैंक यू सो मच जी. चलिए लाइक्स का टारगेट कम नहीं रहना चाहिए. 500 लाइक्स का वादा किया आपने. आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस. एप्स के केस में देर इज लेस इरेक्ट पॉस्चर. एप्स जो है आपने देखा होगा गोरिल्ला या चिंपैंजी वो पूरी तरह से सीधे नहीं है. वो इस तरह से नकल वॉकर्स हैं. ये जो उंगलियों के नकल्स होते हैं ना इन पे चलते हैं ऐसे ऐसे. राइट. आप एक मूवी भी देखिएगा बहुत अच्छी है प्लैनेट ऑफ एप्स. एक और भी है रिटर्न ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स. जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखिएगा आपको पसंद आएगी. ह्यूमंस के केस में जो पॉस्चर है दैट इज फुली इरेक्ट पॉस्चर. हम पूरी तरह से दो टांगों पे सीधे खड़े हैं. हमारा फुली इरेक्ट पॉस्चर है. एप्स का सेमी इरेक्ट पॉस्चर होता है. डिफरेंसेस का जिक्र कर रहे हैं अब हम. ब्रो रिजेस आर वेरी प्रोमिनेंट. आई ब्रो. राइट जी. ये जो ये भौहें हैं जो हमारी ब्रो रिजेस जो है एप्स में ज्यादा आगे को उभरी हुई हैं और प्रोमिनेंट है. हमारे में उतनी प्रोमिनेंट नहीं है. ब्रो रिजेस आर नॉट सो प्रोमिनेंट. नेक्स्ट. वेल मार्क्ड चिन. ठुड्डी जो है चिन काफी वेल मार्क्ड है आगे को बढ़ी है. राइट जी. प्रोमिनेंट चिन. हर्बीवोरस है कुछ इनमें से. कार्निवोरस भी है नो डाउट. ओमनीवोरस भी आई मीन टू से मीट भी खा लेते हैं. ह्यूमंस ओमनीवोरस है. लोकोमोशन इज क्वाड्रीपीडल. क्वाड्रीपीडल मतलब चार लिम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं चलते हुए. All primates are capable of bipedal locomotion. वो दो पैरों पे चल सकते हैं. आपने बंदरों को भी दो पैरों पे नाचते हुए या खड़े होते हुए देखा होगा. देखा है ना. Have you seen monkeys standing on two legs? बोलिए बुशरा शिवेंद्र. हाँ डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स सही लिखा है शिवेंद्र ने. रिजु श्रवण विधि सचिन बताइए जी. दिनेश ब्रो ब्रो आईब्रोज के ये भौहें जहां पे हरी इस चीज को ब्रो रिजेस कहते हैं. हाँ जी डेविड विधि बताइए जल्दी से. डेविड एक बात को रिपीट मत करो बार बार. यस यस मैनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि यस सर हमने देखा है दो पैरों पे चल लेते हैं ना बंदर लेकिन हमेशा नहीं चलते. वैसे वो चार पैरों पे ही हैं तो प्राइमरली क्वाड्रीपीडल है. एप्स भी ऐसा कर लेते हैं. अगर आप उनके दो हाथों में कोई चीज रख दें सामान तो आपको दो पैरों पे चल के दिखा देंगे बैलेंस कर लेते हैं. लेकिन प्राइमरली उनका ये लोकोमोशन नहीं है. प्राइमरली जो है मुख्य रूप से जो है लोकोमोशन क्वाड्रीपीडल है. लेकिन ह्यूमंस के केस में जो है मुख्य रूप से लोकोमोशन इज बाइपीडल. हम अपनी दो टांगों पे चलते हैं. जॉज आर प्रोट्रूडेड. एप्स के केस में जो जबड़ा है जो जॉ है उनका वो आगे काफी को काफी प्रोट्रूडेड है आगे. रेक्टेंगुलर जॉ है. हमारे में पैराबोलिक टाइप जॉ जो है. जॉज आर नॉट प्रोट्रूडेड. उतना उभरा हुआ नहीं है. इंसीजर्स और कैनाइंस उनके काफी बड़े होते हैं. कैनाइंस आर प्रोजेक्टिंग. आगे की तरफ प्रोजेक्टिंग है. इंसीजर्स एंड कैनाइंस आर कंपैरेटिवली स्मॉल. यहां पे कंपैरेटिवली स्मॉल है एंड दे आर नॉट प्रोजेक्टिंग. सो जॉ की शेप में अंतर है हमारे में और एप्स में कंपेयर करके देखिए. उनके कैनाइंस काफी प्रोमिनेंट है. गोरिल्ला कभी अपना माउथ खोले तो आप देखिएगा यूट्यूब पे या कहीं भी वीडियोस आपको पता चलेगा कि उनमें कितने ज्यादा प्रोमिनेंट है. ग्रेट. रिजु समझ आ रहा है आपको. वेरी गुड. बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ये सब पर इतना अच्छे से समझ नहीं आया. चलिए इस साल अनअकैडमी है आपके साथ तो फिर कोई चिंता ही नहीं है. एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है जी. ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए एप्स एंड ह्यूमंस में. इसके आगे और भी डिफरेंसेस है मेरे पास वो भी समझा रहा हूं आपको. प्रभाकर जी देखिए इधर. देर इज अ स्मॉल डायस्टीमा बिटवीन इंसीजर्स एंड कैनाइंस. उनमें इंसीजर्स में और कैनाइंस के बीच में डायस्टीमा होता है. गैप होता है एक. हमारे दांतों में नेचुरल गैप नहीं है. डायस्टीमा शब्द का मतलब होता है गैप. हमारे में वो गैप प्रेजेंट नहीं है. एप्स में है. एंटीरियर प्री मोलर इन द लोअर जॉ इज स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड. ह्यूमंस में एंटीरियर प्री मोलर इन द लोअर जॉ इज स्मॉल एंड बाइकस्पिड. दो कस्प है उसमें. ब्रेन बॉक्स. क्रेनियम जो है जिसके अंदर आपका दिमाग है यहां पे क्रेनियम जो है वो स्मॉल है. राइट जी. और ब्रेन बॉक्स ह्यूमंस में जो है इट इज
of the larger size comparatively. हमारी cranial capacity जो है वो उनसे ज़्यादा है apes के comparison में. Apes के केस में गर्दन जो है वो छोटी है, हमारी neck comparatively लंबी है, and our neck muscles allow variety of movement गर्दन की. उनमें जो है इतने ज़्यादा नहीं है, neck लंबी नहीं है और उतना movement नहीं है. Neck is comparatively long in humans. Next point. Neck muscles allow very little movement of head on the neck. गर्दन के जो muscles हैं वो सिर की बहुत ज़्यादा movement allow नहीं कर रहे apes के केस में. Humans में ऐसा होता है. So neck muscles allow more movement of head on the neck. Clear है जी? Next. Arms are longer than the legs. एप्स के केस में उनकी जो बाजुएं हैं वो ज़्यादा लंबी हैं, लेकिन ह्यूमंस के केस में उल्टा है. हमारी लेग्स जो है, टांगें जो हैं, वो ज़्यादा लंबी हैं बाजुओं के कंपैरिजन में. उल्टी है सिचुएशन. एप्स के केस में आर्म्स आर लॉन्गर देन लेग्स, ह्यूमंस के केस में लेग्स आर लॉन्गर देन आर्म्स. पेल्विक गर्डल इज नैरो एंड इलोंगेटेड. हमारे में पेल्विक गर्डल जो है ब्रॉड है, फ्लैटन्ड है. राइट जी, ये वाले डिफरेंसेस भी क्लियर हैं सारे. किसी भी पॉइंट में यदि आपको कोई डाउट हो रहा है यहां पे तो बताइए. चंदन, डिंपल, मोनीश, बिल्कुल जी. दीपक जायसवाल, डरने की कोई बात नहीं है. खुशी कुमारी, हां जी. लकी सिंह, अभिषेक, करिश्मा, पुनीता, भरत, क्लियर है जी. प्रिंसी, किसी पॉइंट में कहीं भी कोई डाउट है किसी को इतने पॉइंट्स में से तो प्लीज पूछिए. डायस्टीमा बेटा सिर्फ एक नेचुरल गैप है, अलग से कोई डायस्टीमा का फंक्शन नहीं है. दो दांतों के बीच में जो गैप है उसे डायस्टीमा कहते हैं. जैसे कई कार्निवोरस जानवर, कई हर्बीवोरस जानवर ऐसे होते हैं जिनमें कैनाइंस नहीं होते. जैसे खरगोश या चूहे की बात कर लीजिए, तो कैनाइंस नहीं है तो इनसीजर और प्री मोलर के बीच में गैप आ जाता है. दैट गैप इज कॉल्ड डायस्टीमा. सुशील, सुनील, चेतन, बुशरा, पॉलनी, डिंपल, क्लियर है. देर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करके 100 बार लिखा है कि बस मेरा नाम ले लो. दैट वॉज द ओनली मकसद इस प्लेटफॉर्म पे आने का आपका. दिस इज रियली सैड बेटा. जो पढ़ा नहीं, आप जितनी बार भी लिख लीजिए, आई विल नॉट डू दैट. हाँ जी बताइए. शिवांगी, क्लियर है. ऋतिका, अनुराग, विकी, हाँ जी. रैबिट में होता है, बिल्कुल सही कहा आपने. नहीं, ह्यूमंस के टीथ में कोई नेचुरल गैप नहीं है बेटा. दो अलग अलग प्रकार के दांतों के बीच में हो, अगर हमारा तो दांत अगर टूट जाए तो आप कहोगे ना गैप आ गया. नेचुरल डायस्टीमा जो होता है, गैप का कोई क्लियर काम नहीं है ऐसे बेटा. अनुरेश कह रहे हैं कि सर ऐसे बच्चों के लिए एक अलग से क्लास लगा दीजिए जिसमें सिर्फ उनका नाम ले लीजिए और उसी में उन्हें लगेगा कि उनका नीट में सिलेक्शन हो गया है. ग्रेट, वंडरफुल. चलो आगे बढ़ूं, राइट? इजाजत है? नाउ एप्स एंड ह्यूमंस के डिफरेंसेस अभी और भी हैं, भागिए नहीं कहीं. कुछ और डिफरेंसेस भी बता रहा हूं. बोथ पॉलेक्स एंड हैलेक्स, पॉलेक्स एंड हैलेक्स दैट इज ग्रेट टो आर अपोजिबल. मतलब उनके केस में हाथ का अंगूठा और पैर का अंगूठा दोनों ही अपोजिबल हैं. अपोजिबल थंब बताया ना मैंने. थंब अगर उंगलियों को अपोज कर रहा है तो आप किसी चीज का ग्रिप कर सकते हैं. उनमें दोनों है, हाथ का अंगूठा भी पैर का भी. लेकिन हमारे केस में जो है पॉलेक्स इज अपोजिबल. पॉलेक्स मतलब हाथ का अंगूठा, हैलेक्स इज नॉट अपोजिबल. पैर का अंगूठा अपोजिबल नहीं है. वर्टिब्रल कॉलम में एक कर्व है और हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्व्स हैं. आप जानते हैं देयर इज सर्वाइकल कर्व, देयर इज थोरेसिक कर्व, देयर इज लंबर कर्व, देयर इज सैक्रल कर्व. राइट, क्रेनियल कैपेसिटी में अंतर है. क्रेनियल कैपेसिटी 450 cc. सीसी रेफर्स टू क्यूबिक सेंटीमीटर. और इधर हम देखें तो क्रेनियल कैपेसिटी इज अबाउट 1450 cc. क्रेनियल कैपेसिटी में अंतर है. बॉडी इज कवर्ड विद लॉन्ग कोर्स हेयर. एप्स के केस में शरीर में बाल ज्यादा हैं और बाल ज्यादा मोटे भी हैं. हमारे बाल सिल्की हैं, फाइन है, लेस हेयर है. बॉडी हैज शॉर्ट स्पेयर्स हेयर कंपैरेटिवली. उनमें बहुत ही ज्यादा डेंस हेयर हैं. अब जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है तो ह्यूमंस में शरीर के बाल कम क्यों हो गए हैं, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या वजह रही होगी कि इंसान के शरीर से बाल जो है वो कम होते गए हैं. क्या इसकी वजह नेचुरल सिलेक्शन है?
या इसकी कोई और वजह रही होगी, हम डिस्कस करेंगे इस चीज को आने वाली क्लासेस में। ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा। द सोल ऑफ द फुट डज नॉट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड वाइल वॉकिंग, मतलब जब वो चलते हैं तो उनके पैर की एड़ी जो है, जो नीचे के तलवे हैं, सोल जो है वो फ्लैट नहीं है, ऐसे एड़ी जो है ऊपर को उठी रहती है उनके केस में। हमारे केस में जो है, देखिए, द सोल ऑफ द फुट लाइज फ्लैट ऑन द ग्राउंड वाइल वी आर वॉकिंग, हमारा पूरा पैर जमीन को टच करता है जब आप जमीन पे चल रहे हैं। इट लीड्स चीफली आर्बोरियल लाइफ, एप्स जो हैं वो आर्बोरियल मुख्य रूप से पेड़ों पे रहने वाले हैं, ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, एप्स आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड एम्प्लॉइंग द टूल्स यूज ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, एप्स जो है वो कॉम्प्लेक्स टूल्स नहीं बना सकते, उनमें ब्रेन इतना डेवलप नहीं है कि कॉम्प्लेक्स टूल्स बना सकें। इंसान को इसी एक बात ने बहुत आगे तक पहुंचाया कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के टूल्स, औजार बना सकते हैं, तभी तो हम बाकी सभी जानवरों पर राज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी क्या बिसात कि हम एक पावरफुल भेड़िए से भी लड़ जाएं अगर हमारे पास कोई टूल ना हो, समझे आप बात। सो एप्स या फिर बाकी जानवर वो टूल्स नहीं बना सकते, एप्स हल्के फुल्के सिंपल टूल्स बना लेते हैं, जैसे एक चिंपैंजी है, आप देखें कि चिंपैंजी कहीं से दीमक निकल रही है मिट्टी में से, उसे खा रहा है, सो एक एक दीमक को पकड़ पकड़ के खाएगा, टर्माइट को, तो इतना दिमाग लगा सकते हैं कि आसपास कोई बुश या कोई झाड़ी है उसमें से एक डंडी तोड़ी और उसको दीमक की बिल में, टर्मेटोरियम में घुसा दिया, उसके साथ दीमक लग जाएंगी तो फिर उसको ऐसे करके चाट के खा जाएंगे, तो ये भी तो एक टूल है ना सिंपल फॉर्म, इतना दिमाग तो वो लगा लेते हैं, समझे आप। तो वो सिंपल किस्म के टूल्स बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टूल्स नहीं बना सकते, जबकि ह्यूमंस में ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है, ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू मेक एंड एम्प्लॉय टूल्स यूज ऑफ द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, हमारे हमने एक भाषा का विकास किया है, हमें लैरिंग्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार से डेवलप्ड है कि हम बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, शब्दों का सही उच्चारण करके मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते, आवाजें तो वो भी निकालते हैं, राइट, लेकिन हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की आर्टिकुलेटेड स्पीच है, एक लैंग्वेज है जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं, और लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करके हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं। जब हमने एक ग्रुप बना लिया भाषा का प्रयोग करके, सो हम उस ग्रुप में स्ट्रेटजी प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटजिकल प्लानिंग करके हम बड़े जानवरों को भी मार सकते हैं, राइट, क्लियर हुआ। सो इतनी बातें समझ आई आपको जी, डॉक्टर सना, टूल्स एंड इंटेलिजेंस, रत्ना, वाहिद, शिवांगी, खुशी, दिमाग के कपाट खुल गए हैं जी सबके, ग्रेट। चैप्टर पसंद आया आपको, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है श्रमण, जमीन पे रहने वाले, राइट, हम जमीन पे, हम पेड़ों पे चढ़ के नहीं रह रहे, टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाले जानवर हैं, बिल्कुल। राजेश हुडा जी, जल्दी से लाइक करवाइए वीडियो, 600 लाइक्स पार करवा दीजिए, वीडियो जो है अपलोड हो जाने के बाद भी आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे #NEETLIVEDAILY, ये #tag लगा के #NEETLIVEDAILY के साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा, मजा आया है, ग्रेट। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि शरीर के बाल कम होने की वजह क्या थी, इतना इंटेलिजेंट ब्रेन कैसे हमारा डेवलप हो गया है, राइट जी। चलिए अब आने वाली क्लासेस में और क्या पढ़ना है हमने देख लीजिए, आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन क्या क्या रहा है, फॉसिल एविडेंसेस के आधार पे देखा जाए तो कहां से ह्यूमंस का इवोल्यूशन होना शुरू हुआ है, राइट, कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन के समय पे हमें आए हैं, नोज में किस तरह का बदलाव हुआ है हमारे, राइट जी, बॉडी हेयर जो है वो कम हुए हैं, इरेक्ट पोस्चर डेवलप हुआ है, पेल्विक गर्डल बाउल जैसा बना है, इसके अलावा हाइट इंक्रीज हुई है, ब्रेन साइज जो है उसमें चेंजेस हुए हैं, क्रेनियम में चेंजेस हुए हैं, फोरहेड जो है ब्रॉड हुआ है, देन विल डिस्कस द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन, राइट, और उसमें हम जानेंगे कि प्रायर टू एप मैन क्या क्या थे, एप मैन इंक्लूडिंग द प्री हिस्टोरिक मैन, ट्रू मैन इंक्लूडिंग द लिविंग मॉडर्न मैन, ड्रायोपिथिकस एफ्रिकैनस जो है ये एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ये सब चीजें हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है, सो क्लासेस मिस नहीं करेंगे, रेगुलरली आप क्लासेस अटेंड करेंगे, सो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आपके साथ ये सब चीजें डिस्कस करूंगा, रामापिथिकस, केनियापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो कि फर्स्ट एप मैन कहलाता है, राइट जी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रिकैनस के बारे में जिक्र करेंगे, रोबस्टस बुजाई जो इनकी वेराइटीज रही हैं, राइट, फॉसिल कहां कहां से डिस्कवर हुए हैं,
ओके जी, होमो हैबिलिस क्या है? होमो इरेक्टस, द फर्स्ट इरेक्ट मैन, राइट? जावा एप मैन, विल डिस्कस अबाउट पीकिंग मैन. चलिए जी, आज की क्लास के लिए इतना ही था मेरे पास, एंड आपको बने रहना है रेगुलर क्लासेस में. कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन को. क्लास 11th का टाइम टेबल आपको मैं जल्दी से बता दूं. मंडेज, ट्यूजडेज एंड वेडनेसडे को क्लास 11th के टॉपिक्स हम करते हैं. सब्जेक्ट्स रहते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. टाइमिंग्स हैं आपके 4, 5 और 6. क्लास 12th के लिए टाइमिंग्स जो रहते हैं सेम है. 4 to 5 इज बायोलॉजी, 5 to 6 इज फिजिक्स, 6 to 7 इज केमिस्ट्री. और फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को. जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेंगे. और हैशटैग नीट लाइव डेली के साथ हमारे लेक्चर्स को, वीडियोज को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं. हमें भी टैग कर सकते हैं. अनअकैडमी प्लस पे आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हो, बाकी एजुकेटर्स का प्रोफाइल भी अनअकैडमी प्लस पे, और मैसेजेस भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. दाएं बाएं जो आपको दिख रहा है वो क्या कह रहा है आपसे, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे. एंड इसके पीडीएफ नोट्स जो हैं, जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना वीडियोस के नीचे, वहां पे एक लिंक होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, आप तक नोट्स पहुंच जाएंगे. ओके मेरे बेटा, राइट जी. ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए, जेई फाउंडेशन 9th एंड 10th के लिए. आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब आपसे विदा लेते हैं. ओके, अनीता, प्रिया, मनीषा, नगमा, उमर फारूक, ताहिर, रिजु, युक्ता, ममता. चलिए जी, राजेश उडा, थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.